हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या हैं, क्या वो रात के इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं? तो गाइस, आज हम ये देखने वाले हैं। ओके व्यूवर्स, तो जनरल रीडिंग होने वाली सभी जोडिक साइन के लिए होने वाली है। ओके, तो उसे पॉजिटिव वे में लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए रीडिंग हो रही है, तो कुछ ना कुछ हर एक के लिए ज़रूर निकल के आएगा। ओके, तो आपको देखना है आपके साथ में क्या यहाँ पर रेजोनेट होता है। अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं अपनी रीडिंग्स के लिए। गाइज, ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, फ्री नहीं होती है। ओके व्यूवर्स, तो चलिए आपकी रीडिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं आपके पर्सन के क्या थॉट हैं आपके लिए, क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में अभी। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज़ डिवाइन एंजल हेल्प करिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन इनके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल और दिमाग में चल रहा है। प्लीज़ हेल्प करिए, प्लीज़ बताइए। ओके, प्लीज़ डिवाइन एंजल हेल्प करिए। ओके व्यूवर्स, देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके, वी हैव मैन होल्डिंग ए कॉइन। ओके, वी हैव क्राउन चक्र। ओके, सेवन चक्र निकल के आया है, जर्नी निकल के आई है आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। और निकल के आया है गाइस क्यूरोकोपिया। ओके, देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। ओके, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल हेल्प करके बताइए, प्लीज़ हेल्प करिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन अभी इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिलो दिमाग में चल रहा है इनको लेके, प्लीज़ बताइएगा, हेल्प करिए डिवाइन। ओके, वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव टू ऑफ कप्स। ओके व्यूवर्स, हैंगमैन है गाइस हमारे पास, सिक्स ऑफ वैंड्स है, पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स एंड गाइस वी हैव, ओके बॉटम ऑफ दिस डेक है गाइस, नाइन ऑफ सोर्ड। ओके ओके, ये निकल के गाइस आए हैं आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ वैंड्स, चैरियट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके व्यूवर्स, सो देख लेते हैं यहाँ पे क्या निकल के आया है आपके पर्सन की तरफ से। आपसे ये जो एनर्जी है कहाँ तक मिलती है ये आपको खुद यहाँ पे पता चल जाएगा। गाइस देखिए, रीडिंग जैसे की हो रही है, आपके पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपके बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे कार्ड ये बताता है। और आपके साथ में अपने रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं गाइस। यहाँ पे चीज़ें हैं, है ना, कि बहुत चीज़ें लाइफ में ऐसी चल रही हैं जो उन्होंने लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली हैं। इनसे कैसे फाइट करना है, कैसे निकलना है बाहर, टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो इन्हें बिल्कुल भी समझ में अभी नहीं आ रहा है, सुकून नहीं है लाइफ में, क्योंकि लेट नाइट रीडिंग हो रही है। कार्ड भी यही बताता है भाई, इस समय आपके पर्सन बिल्कुल भी मतलब दिल को सुकून नहीं है, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन, उलझने बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और कहीं ना कहीं मतलब कुछ ऐसा है कि ये अपने आप पे रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ गाइज कि इन्हें दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अब मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, या मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दोनों ही तरह की गाइज यहाँ पे देखो वाइब्रेशन आ रही है ना, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा गलती फील कर रहे हैं अपनी, इनसे गलती हो गई है आपको लेकर के, कुछ उन्होंने आपके साथ में गलत कर दिया है उसको लेकर गलती बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। और सेकेंड वाइब्रेशन जो आ रही है ये आ रही है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन में है इस रिश्ते को लेकर के, इसे समझ में नहीं आ रहा इस रिश्ते को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या करा जाए, क्योंकि गाइज यहाँ पे कार्ड भी ये बता रहा है ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, पर क्या उसे वो दरवाज़ा नहीं नज़र आ रहा, वो रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, वो तरीका नहीं नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन आपके साथ में कनेक्ट कर सके, या अपनी गलती को किस तरह से ये एक्सेप्ट करे, उनको कैसे रेक्टिफाई करे। तो यहाँ पर चीज़ें गाइज इस पर्सन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, दिल में क्या है, दिल में दर्द है, पेन है, गिल्ट है, और कहीं ना कहीं गाइज यहाँ पे ये है कि मतलब पेन वाली एनर्जी तो गाइज दोनों ही तरफ की एनर्जी से निकल के आ रही है, ठीक है, कि पर्सन पेन में है, आपका दर्द में है, तकलीफ में है। और दर्द ये तकलीफ क्यों है गाइज, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये यहाँ पे ये बता रहा है भाई, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा इस समय सोच भी बहुत ज़्यादा रहा है, ये आपके साथ में उस समय को याद कर रहा है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में थे, एक दूसरे के साथ में अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे, बट क्या है वो टाइम अभी लाइफ में नहीं चल रहा है, वो लाइफ में कहीं ना कहीं
पॉज हो चुका है, रुक चुका है, आगे जो बढ़ रहा था रिलेशनशिप वो रुक गया। वजह तो कोई बहुत बड़ी जरूर होगी तभी तो रुक गया। तो गाइस यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है ये जो पर्सन है ये इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहता है। अब गलती चाहे इस पर्सन की तरफ से हो गई हो या किसी और थर्ड पार्टी पर्सन की तरफ से यहाँ पे गलती क्रिएट हो गई हो, क्योंकि गाइस देखो ये रीडिंग तो इस तरह से ये एक मिली जुली रीडिंग बन के निकल के आ रही है सामने, क्योंकि वाइब्रेशन मुझे बहुत सारी मिल रही है कि भाई किसी और पर्सन की वजह से क्या है लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, या इस पर्सन ने खुद किसी और के चक्कर में आके लाइफ में अपनी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो कोई ना कोई तो गाइस यहाँ पे ज़रूर ऐसी परेशानी नज़र आ रही कि ये जो पर्सन है आपके पास चाह के भी नहीं आ पा रहा, चाह के भी अपनी बातें आपसे शेयर नहीं कर पा रहा, मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो गाइस ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। और साथ ही साथ गाइस हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो गाइस यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है गाइस, और ये जो पर्सन है ये मैं गाइस कह सकती हूँ ये जो पर्सन होगा गाइस ये कोई मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन की अगर गाइस मैं बात करूँ तो शायद ऐसा कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि गाइस ये जो पर्सन है ना इसने होल्ड किया हुआ है इस पर्सन की एनर्जी को। यहाँ पे गाइस ये कहा जाता है इस पर्सन की एनर्जी को इस पर्सन ने होल्ड कर लिया है, और ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इस समय फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा है, और इसका जो नेचर है गाइज वो इस समय कंट्रोल करने का नेचर है। तो इस पर्सन ने आपके पर्सन की एनर्जी को कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, और ये जो पर्सन है इसको इस तरह से एहसास दिला रहा है या इस तरह से इसको रोका जा रहा है कि आप इसके लिए ठीक नहीं हो, या मतलब ये पर्सन आपकी तरफ इस पर्सन को बढ़ने नहीं देना चाहता गाइस। तो यहाँ पे ये एनर्जी जरूर निकल के आ रही है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना ये हर एफर्ट्स को इस पर्सन के यानी आपके पर्सन के हर तरह के एफर्ट्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, बंधन है, और मतलब बंधन क्या मैं कहूँगा इसकी, मतलब कहते हैं ना किसी के मेंटल एबिलिटी को कैप्चर कर लेना, उसकी सोच को चेंज कर देना, उसके एक वे ऑफ थिंकिंग को चेंज कर देना गाइस। तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है, पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है पर बढ़ नहीं पा रहा है, और ये ही गाइस यहाँ पे वजह है कि इसको वो रास्ता नहीं मिल रहा है जिस रास्ते से ये आपके साथ में आके अपनी बातों को कह सके, कम्युनिकेट कर सके क्लियरली। एक तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ठीक है, कम्युनिकेशन बिल्कुल रुक गई है, अपनी बातें आप तक कैसे पहुँचा इस पर्सन को नहीं पता है, ना ही से वो रास्ता नज़र आ रहा है। कुछ तो गाइज यहाँ पे बहुत सारी रुकावटें हैं, और वो चीज़ें गाइज यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है भाई ये जल्दी रिलीज हो जाएंगी, क्योंकि गाइज हमारे पास निकल के आए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास है क्राउन चक्रा, सेवन चक्रा। तो इसका जो अभी विजडम कैप्चर है इस पर्सन के पास में, ठीक है, तो वो जल्दी ही रिलीज होने वाला है, क्योंकि गाइज यहाँ पे एनर्जी भी यही बता रही है भाई ये जो पर्सन है इसका विजडम बहुत जल्दी चेंज होने वाला, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने वाला है इस रिलेशनशिप को लेके और इस पर्सन को लेके जिस पर्सन की अभी ये बातें सुन रहा है। ठीक है, जो ये जो पर्सन अभी कहता है हमारा ये किंग ऑफ पेंटिकल जो है जो इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी का काम कर रहा है, अभी थर्ड पार्टी देखो गाइस कोई भी हो सकती है, फैमिली पर्सन भी हो सकता है, कोई अपना फ्रेंड हो सकता है जिसको ये अपना वेल विशर मानता है वो हो सकता है, या इसकी लाइफ में कोई अनदर पर्सन हो सकता है जिसकी तरफ ये अट्रैक्शन फील कर रहा है और उसी के लेके ज़्यादा ये अपनी लाइफ में सोच रहा है, उसके हिसाब से काम कर रहा है और उसने इसकी एनर्जी को कैप्चर कर लिया, कंट्रोल कर लिया है। तो इसे बहुत जल्दी रियलाइज होने वाला है आपके पर्सन को कि ये जो है यहाँ पे कि मैं किस राह पे जा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे इसके लाइफ के अंदर आपके पर्सन के लाइफ के अंदर गाइज़ यही सब चीज़ें इस समय दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि इन चीज़ों का रियलाइजेशन आपके पर्सन को इस समय हो रहा है। एट प्रेजेंट सिचुएशन तो गाइज़ यही बताती है, जो लाइफ में यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं इन चीज़ों को लेकर गाइज़ आपका पर्सन सोच रहा है, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है, इसको रिपेयर करना चाहता है, इसको ठीक करना चाहता है, आपके साथ में दोबारा से कनेक्शन अपना ठीक करना चाहता है। तो ये खुद से एफर्ट्स लगाना चाहता है यहाँ पे, लेकिन गाइज यहाँ पे क्या है किसी और ने जो उसको एनर्जी को कैप्चर किया है, कंट्रोल किया है, उस वजह से गाइज ये जो पर्सन है अभी क्या एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन अभी मतलब एक्शन नहीं ले पा रहा है, स्टैंड नहीं कर पा रहा आपके लिए, रुक गई है इसकी एनर्जी, पॉज हो गई है। मतलब कहते हैं ना किसी का विजन ही चेंज कर देना, रिवर्स कर देना, तो गाइज ये एनर्जी वही बताती है। ये पर्सन है गाइज एक नए तरीके से इस रिलेशनशिप को देखने की या सोचने की कोशिश कर रहा है, और उन्हीं तरह से यहाँ पे ये वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। अपने लेवल पे कहती हूँ मैं बहुत मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा हार्ड या मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से काम हो रहा है पर नहीं, लेकिन हाँ डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ उसके दिमाग में ये चीज़ें नज़र इसको आने लगी हैं, इसको दिखाई देने लगी हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो गाइज ये जो पर्सन है ना आपका ये अभी भी इस तरह की एनर्जी में है कि ये सोच रहा है इस समय, अकेला वह है
तनहा लेटा हुआ है कह सकते हैं, क्योंकि गाइस कार्ड की एनर्जी भी यही बता रही है। इसको मतलब सोचने की कोशिश कर रहा है आपके बारे में, आपके बारे में इसके इसके दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे यही एनर्जी बता रही है, ये जो पर्सन है एट प्रेजेंट सिचुएशन में आपके बारे में सोच रहा है और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश करता हुआ ये पर्सन यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि गाइज यहाँ पे ये रिलेशनशिप आपका पास्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट की सिचुएशन की गाइज अगर मैं बात करूँ तो ये जो पर्सन है ये आपके साथ में गाइज कनेक्शन में इस्टेब्लिश होना चाहता है, आपके साथ में बढ़ना चाहता है। और गाइज हमारे पास ये क्यों ना कॉपिया कार्ड है गाइज, ये भी यही भी दिखाता है कि भाई इसका विजन बहुत जल्दी क्लियर हो रहा है, आने वाला फ्यूचर यही दिखाता है कि ये जो पर्सन है ये बहुत जल्दी उन चीज़ों को देख पाएगा जो इसके लिए सही है, इसके लिए ज़रूरी है, इस रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है। ओके तो गाइज ये जो एनर्जी निकल के आई है आपके पर्सन की तरफ से एट प्रेजेंट, तो भाई ये बता रही है एनर्जी कि ये पर्सन गाइज बहुत ही जल्दी आपके लिए स्टैंड लेने वाले एक एनर्जी में नज़र आ रहा है। एट प्रेजेंट ये यही सोच रहा है, अभी की जो एनर्जी बता रही है ये एट प्रेजेंट यही सोच रहा है कि मुझे एटलीस्ट ऑफ कोई मैसेज तो भेजना चाहिए, पता करना चाहिए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, क्या है और क्या वो पर्सन अभी भी इंटरेस्टेड है या नहीं है, क्या मैं उसकी तरफ बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, इस तरह के इसके दिमाग में ख्याल चल रहे हैं और ये आपकी तरफ मुझे बढ़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर शुरुआत बताती है कि ये पर्सन आपकी तरफ दोबारा से शुरुआत करना चाहता, आपकी तरफ ही आना चाहता है। तो गाइस बहुत जल्दी ये आपसे मिलना चाहता है पर्सन, अभी इसके दिमाग में यही चल रहा है कि चलो उठते हैं उनसे जाके मिलते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो गाइज ये जो पर्सन है ना ये आपके साथ में कम्युनिकेट करना चाहता है, आपके साथ में मिलना चाहता है। एट प्रेजेंट सिचुएशन तो गाइज यही बताती है, चाहे सिचुएशन आपकी लाइफ में देखो कुछ भी चल रही हो, कैसी भी चल रही हो, चाहे वो थर्ड पार्टी की वजह से हो या अपनी फैमिली की पर्सन की वजह से हो या किसी मतलब कहते ना सेल्फ की वजह से हो प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, पर ये पर्सन एट प्रेजेंट तो यही सोच रहा है कि इसे आपसे मिलना है, आपके साथ में कम्युनिकेट करना है, अपनी सारी बातों को यहाँ पे क्लियर करना है। तो गाइज अभी जो पर्सन ये एफर्ट्स नहीं ले रहा था आपके साथ में, तो गाइज इस सिचुएशन से बाहर निकल के ये आपके साथ में आगे आना चाहता, आपके साथ में रिलेशनशिप को फिर से आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो यही इसके दिमाग में सारी बातें अभी चल रही हैं। ओके व्यूअर्स, तो देखते हैं और क्या निकल के आता है। प्लीज डिवाइन एंजल हेल्प करिए, बताइए क्या है इनके पर्सन के दिमाग में इस समय, इनको लेके क्या वो फ्यूचर में करने की सोच रहे हैं। ओके ओके हम देखते हैं क्लोजनेस। देखिए मैंने गाइज आपसे अभी कहा कि ये पर्सन ना आपके करीब आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है और वही गाइज यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि भाई क्लोजनेस एक दूसरे के लिए बढ़ रही है, दूसरे के लिए नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, पास आने की जो एक ख्वाहिश है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं फुलफिल होती मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है गाइज इन चीज़ों को लेके इस समय सोच रहा है, इसके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं कि मुझे उस पर्सन के साथ में मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए और उसके साथ में कहीं ना कहीं दोबारा से कहते हैं ना उसके करीब आना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके फ्लाइट है गाइज, देखो बहुत तेज़ी से ये गाइज आपके तरफ पर्सन बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहते हैं ना मतलब एक दिमाग में इसको यही चल रहा है कि ये इस समय आपको इतनी तेज़ी से विजुलाइज कर रहा है कि मतलब इसका मन करे तो मन की गति होती है ना, कहते हैं जो कौन थे वो जो राम जी के नाम पे थे ना परशुराम जी, वो मन की गति से कहीं चले जाते थे, एक पल में यहाँ एक पल में वहाँ, तो वही गति इसके दिमाग में इस समय चल रही है। इसका मन जो है बिल्कुल आपकी तरफ भागा चला आ रहा है और ये गाइज इसका बस चले तो अभी आके आपसे बात कर ले, आपसे कम्युनिकेट कर ले। तो गाइज यहाँ पे ये कहते ना हवा के पंखों पे सवार है और आपसे बस बात करना चाहता, आपसे मिलना चाहता, अपनी जो सारी बातें हैं वो क्लियर करना चाहता। आपके पास में गाइज इसके एफर्ट्स यही दिखाई दे रहे हैं कि ये जो पर्सन है भाई आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। अब चाहे जो भी बात चल रही हो रिलेशनशिप के अंदर वो यहाँ पे देखो ये आपकी है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी तो बहुत सारी निकल के आई है, बट लास्ट जो एनर्जी बता रही है गाइज ये जो पर्सन है ना आपसे मिलना ही चाहता है और विश भी गाइज देखो यहाँ पे निकल के आई है, इसकी विश भी यही है, इस समय ये विश भी यही मांग रहा है, इसके दिल में यही है काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं उससे जाके मिल सकूँ, उससे जाके अपनी बात कर सकूँ, उसके साथ में अपनी मतलब एक जो मीटिंग वाली फीलिंग होती है ना वो यहाँ पे गाइज नज़र आ रही है। तो इसने कास्ट जो बोला है ना वो आपको लेके बोला है, ठीक है। अब जो ये पर्सन है अकेले में जो है तो इन्हीं चीज़ों को गाइज ये सोचता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके व्यूअर्स, कुछ आपको गाइज ये मैसेज भेजना चाहता है,
कुछ आपके लिए गाइज यहाँ पे लिखता हुआ नजर आ रहा हो सकता है, मोबाइल के अंदर कुछ टाइप कर रहा हो लेकिन टाइप करते करते क्या उसे मिटा देता हो। तो गाइज इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, इसने टाइप करने की आपको मैसेज भेजने की कोशिश कर रही है लेकिन क्या है कुछ नेगेटिव उसके दिमाग में आया, इसको लगा कि यार पता नहीं भेजूँ नहीं भेजूँ। तो इस तरह की गाइज इस तरह पर ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है इस पर्सन की तरफ से। बट गाइज यहाँ पे क्या है एंड रिजल्ट तो यही निकल के आया है कि ये जो पर्सन है ना बस आपसे मिलना चाहता है इस समय, इसके दिमाग में यही सारी चीजें चल रही हैं कि मुझे उस पर्सन से बात करनी, मुझे उस पर्सन से मिलना है, उसे देखना है। ओके व्यूअर्स, तो गाइज ये एनर्जी निकल के आई है आपके लिए। गाइज आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी, अगर गाइज की है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल आपका अपना गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड गाइज गॉड ब्लेस यू, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।